और इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आते हुए जहां केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री से मिले हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की है मुलाकात। प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं पर की है चर्चा। पीएम आवास योजना में 19,906 नए आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मांगे हैं 516 करोड़। वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति का किया है अनुरोध। वहीं नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी इनेबल्ड बनाने के लिए 200 करोड़ का भी अनुदान मांगा है। तो प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं पर चर्चा भी की है डिप्टी सीएम ने। विकास की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का दिल्ली दौरा है, तस्वीरें भी सामने आई है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। मनोहर लाल खट्टर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के विकास की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई है।